हेलो गाइस, तो आज शादी के बाद हम अंजनी को लेके जा रहे हैं गांव। तो गांव में कुछ अपनी रस्में होती हैं, जो भी होती हैं। तो आज तीसरा दिन है शायद शादी के बाद, तो आज हम जा रहे हैं गांव। तो अभी हम रेडी हो रहे हैं। शायद तीसरा दिन है, मतलब आपको दिन भी नहीं याद अभी? हाँ, तो नहीं है दिन याद भाई। तो अभी हम हो रहे हैं रेडी। पीछे भी आ रहा है बंदा। अभी रेडी नहीं हुई। अभी प्रेस कर रही हूँ और पैकिंग कर रही है, थोड़ी सी पैकिंग रखी है। इसने सारे कपड़े अपने प्रेस कर लिए हैं। देखो और क्या रह गया भाई, और भी बता दे। ये सारा सामान है, ठीक है। चल भाई, इसके टूट गया क्या? निकल जाता है एक, इधर प्रेस नहीं करना आता ना, चक्कर दो भैया। दिखाओ शक्ल भी। अरे सामने वाले लड़का आपको देख रहा है कि कहां से आ गया व्लॉगर और क्या कर रहा है। ये मेरे पास लाल सूट, और कौन सा सूट है दूसरा? चल फिर हो जा रेडी जल्दी जल्दी। कल हम चल चुके थे घर से, तो अभी हम गांव से थोड़ा सा पीछे रुके हैं। आप क्यों रुके बताओ? आप बताओ। रुके हम रुके हैं क्योंकि शादी से पहले अंजनी उस घर में जा नहीं सकती। शादी से पहले नहीं, पहले शादी तो होगी हमारी। सॉरी नहीं, क्योंकि जो पूजा होनी है उस पूजा से पहले घर में नहीं जा सकते। तो आज हम सारे हम दोनों रेडी होकर जाएंगे, फिर पूजा होगी, फिर घर में जाएंगे। सही है, ठीक है। और वी आर रनिंग लेट ऑफ टाइम। कितने बजे जाना था? 9:30। और कितने बजे देखना पड़ेगा? 9 तो बज गए, अभी पहुंचने में टाइम लगेगा। और जब ये व्लॉग देखेंगे तो डांट पड़ेगी, बट मैं नहीं लेट हूं, आप होंगे लेट। क्या तो कल हम आ गए थे घर से, पापा मम्मा भी आए थे हमारे साथ में, लेकिन जो पूजा होती है इनके घर में उनसे पहले मैं इनके घर नहीं जा सकती, है ना। तो पापा मम्मा को हमने वहाँ छोड़ दिया था और हम रुके हैं थोड़ा गांव से थोड़ा पीछे होटल में। बस अभी रेडी होके हम लोग वहाँ जाएंगे और फिर जो भी इनकी पूजा होती है पूजा होगी, फिर मैं इनके घर पे जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। चले चल, सिंदूर सही लगा? हाँ सही है। चलो रेडी हो ना, चलो चल फिर सामान सारा ये भी कर यार मेरा, इसकी सेटिंग कर सारी। अभी तो हम लेट होते हैं क्योंकि दोनों के काम मुझे करने पड़ते हैं। हटो, ये डालो डालो। मैं तो शूज भी भूल गया यार इसके साथ के। है भाई, तो मैंने आपको कल पूछा भी था कि जैसे मैंने अपने वो रख लिए हैं, इसके नीचे ब्लैक शूज वो लगेंगे ना अच्छे, तब देखते हैं यार कोई ना कोई करेंगे जुगाड़। मैंने आपको कल पूछा था और मैंने वो ब्लैक शूज देखे थे, शायद पापा लेके आए होंगे, है ना अपने। तो मुझे ऐसा लगा कि आपने रखे, मैंने तो देखे थे यार हाथ में किसी के। चलो चलो, ये क्यों नहीं डाल रहे? डालो ना। डाल रहा हूं यार, फिर कोट डालना पड़ेगा। चले फिर, चले कहाँ चले? लग रहा हूँ शादी वाला लड़का कि नहीं यार। बीच में आप रुक के ऐसे ब्रेकफास्ट करोगे? कोट पहनते चेंज कर लूँगा, ठीक है। हम ऐसा करेंगे ना, अगर कुछ मिला ना हल्का फुल्का कार में ही खा लेंगे। यार मैं तो ब्रश भी कोलगेट है तो है नहीं, मैंने कर लिया थोड़ा सा वैसे ही ब्रश कर लिया। सही किया है क्या? मैं कह रही बेटा ये देखो क्या सारा सामान हमने भिजवा दिया और मेरा सूट यहाँ पे हैंग हुआ रह गया। अभी मेरा इतना सुंदर सूट अगर यहाँ पे रह जाता तो फिर उठ जल्दी उठ। और क्या करेगा अब इसको ऐसे हाथ में लेके? ये पानी बोतल भी उठा लेता हूँ। हाँ, अब इसको सारा हाथ में लेके जाना पड़ेगा यार। अगर मेरा रह जाता मैं एकदम ऐसे होगी इसको देख। कुछ नहीं हुआ जो मुझे याद आ गया, बाकी सामान भिजवा दिया, उसको हाथ में लेके चलो। हाथ में ही लेके सामान कैसे ले जाऊंगा भाई? ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये है होटल का नाम क्या है? ये हमारी गाड़ी ये हम, ये होटल का नाम है श्री पीतम्बरा जी, ये हमारा होटल है और ये हमारा मेकअप बॉक्स। चल यार मैंने ना अपने शूज चेंज करने हैं, देख एक शूज है उसमें पड़े हुए अंदर, देखो वाले चलेंगे। इसको इसको पीछे रख ले, आगे करके रख ले, पहले देखो अंदर शूज पड़े हैं वो चलेंगे, और इसको ये और शूज चल जाएंगे ना इसके साथ, पीछे पड़े हैं इसके हैं ये। हाँ ये मतलब चल जाएंगे, चल जाएंगे ना यार। अब ना पता क्या, हमारे पास ना खाने का टाइम नहीं बचा बिल्कुल। हाँ चल चल जल्दी, हम खा के जाएंगे तो ऐसे चलते हैं, देखते हैं अभी थोड़ा सा खा लेंगे कुछ भी रास्ते में। सूट रख ले यार, ये तो मतलब मुझे बहुत ही बोर है कि अगर ये सूट छूट जाता फिर। नहीं छूटता यार, व्यू तो अच्छा है यहाँ पे थोड़ा बहुत ना, सही है।
ओह शिट क्या चल वहां गाड़ी में बैठ के लगाऊंगी नेल पेंट पिंक वाली उतार दी रेड वाली लगानी थी ये कोई नहीं अभी आदत नहीं है ना मुझे नेल पेंट की अभी लग जाएगी मैं क्या पता नहीं टूट गया कुछ ना ना नेल पेंट भूल गई फिर नेल्स अच्छे नहीं लगेंगे ना मैंने सोचा था रेड लगाऊंगी पिंक लगी थी ना पहले पूरे फेरे बिना नथ के मुझे बाद में आता है कि नथ तो मेरी साइड में और फिर उसमें फोटोज भी आ गई होंगी चले चलो यार धीरे धीरे चल रहा हूँ बस एक थोड़ा सा रह गया बिल्कुल लास्ट स्ट्रोक है एक मिनट चल छोटी छोटा नेल है ना क्या कौन सी पहाड़ आई है सामने बर्फ बर्फ है ना ये वाइट वाइट कलर की सुंदर लग रहा है मस्त एकदम हाँ इधर से मस्त लग रहा है इधर बर्फ इधर धूप धूप और इधर रचित सही है जो कान के पीछे लगाते हैं रोज बोलता है काला टिक्का निकाल अपना लगा के घर से निकल जाए ठीक है काला टिक्का नहीं लगा के चलते जल्दी जा रहा फिर मैं चलूं गांव में आते ही पहले ही गाड़ी का मुहूर्त हो गया देखो नीचे उसकी सारी गाड़ी अंदर ये वाले पत्थर करके Happy birthday!
रूपम भुक्तिम भुक्तिम च दधासि नित्यं भावानुसारेणं गंगा मां हरि ओम श्री अप्सरवन्तु ते भूता ये भूता भूता भूमि भूमि जाएगी पर खाना भी बन चुका है देखो खाना ऐसे बनता है यहाँ पर अरे ले बाद में दे देंगे तो आपको बहुत देना दोनों हाँ के पास ये भैया रजत अपनी दुल्हन से गुणे ले रहा है ले ले अपने गुणे अब चल हाँ पुराना रिवाज है 20 रुपए वाला ससु
बोलो हिंदी में बताओ ना, थोड़ा इसको समझ भी आएगा। अच्छा, नहीं नहीं अरे इसको तो पता लगे हंसी मजाक का, थोड़ा थोड़ा हिंदी, थोड़ा हिंदी में भी बताओ। बोल रही है कि गई नहीं थी ना शादी में, चाची पहले होंगे, फिर उसके बाद वो होंगे क्या बोलते हैं उसे, भूल गया मैं भी, चल हाँ जड़ी कुछ चीज बनती है ना, बनती है बिना कहीं बनती है, बचे भांडे मल जाए।